वेलकम बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक नंबर 8। इस रिएक्शन टेक्निक नंबर 8 में मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन के रिगार्डिंग बातें करूंगा, वो समझाऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस को आप किस तरीके से टकल करें, रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप डिस्कस करें। तो ठीक है भाई, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक नंबर 1 है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक नंबर 8 है और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, कि रेडॉक्स रिएक्शन को आप किस तरीके से, इनके प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आप इजीली लिखें और इसके रिगार्डिंग क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले बच्चों कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो होती क्या चीज़ है, मैंने हालांकि पहले भी डिस्क्राइब किया है बट कोई बात नहीं, एक बार फिर भाई साहब, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चेंज होता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, आप इस जो पर एटम है इस पर फोकस करिए, इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि पर एटम लिखा है तो पर एटम ही होना चाहिए। कई बार बच्चा इसको ध्यान नहीं रख पाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, SnCl2 प्लस FeCl3 ये प्रोड्यूस करता है FeCl2 प्लस SnCl4। अब इसमें देखो, इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। देखो भाई, चेंज तो हो गई ना पर एटम। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गई, पर एटम चेंज हो गई, +3 से +2 हो गई, पर एटम चेंज हो गई, +2 से +4 हो गई। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चेंज हो रही है तो पक्का रेडॉक्स है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय हो ही नहीं सकती। चलिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, SnCl2 प्लस HgCl2 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये बना रहा है Hg और साथ में यहां पर बन रहा है SnCl4। बच्चों देखो, यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी +2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी 0 है। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं Zn प्लस AgNO3, ये प्रोड्यूस कर रहा है ZnNO3 होल ट्वाइस और प्लस यहां पर बन जाएगा Ag, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसमें देखो आप, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +1 है, अरे यार नाइट्रेट माइनस होता है ना दोस्त, तो Ag की +1 हो जाएगी और यहां पर ये फ्री स्टेट में है तो 0 हो गई। यहाँ पर देखिए, ये 0 है, फ्री स्टेट में है और यहाँ पर +2 हो गई, तो क्या हुआ, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। एनी मोर एग्जांपल्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत 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 सारे एग्जांपल्स हैं। कुल मिलाकर के आप यहां पर फिलहाल छोटी बात याद रखो कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम चेंज हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम चेंज हो रही है तो रेडॉक्स रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम चेंज नहीं हो रही है तो सिंपल रिएक्शन। तो चलिए ठीक है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन में पता चल गई, अब जरा कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जब हमें रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पता चल गई है तब मैं बच्चों कुछ बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ये प्रोड्यूस कर रहा है K2SO4
प्लस 2MnSO4 प्लस 5 × 10 CO2 प्लस 8H2O। आप ये मत समझो कि बहुत हार्ड बहुत लंबी रिएक्शन लिखी गई है, ये बहुत इजी है, थोड़ी देर वेट करिए आपके लिए इजी हो जाएगी। Mn को देखो बच्चों, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल करके देखो कितनी आएगी। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 आएगी। अरे पर एटम देखनी है भाई, यहाँ पर कार्बन के लिए देखो बच्चों पर एटम इसकी प्लस 3 आएगी। प्लीज़ निकालना क्योंकि अदरवाइज मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। यहाँ पर कार्बन के लिए प्लस 4 आती है और Mn के लिए यहाँ पर प्लस 2 आती है। दोस्त छोटी बात है, Mn 7 से 2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चेंज हो रही है। यहाँ पर कार्बन प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहा है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चेंज हो रही है। हमें पर एटम ही देखना है, मैं बार बार मुंह से कह रहा हूं पर एटम पर एटम पर एटम पर एटम, तो पर एटम ही देखनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो चाहो तो, चलो मैं ही निकाल देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है तो निकाल देता हूं। के लिए प्लस 1 भाई, Mn के लिए x ले लो, O के लिए माइनस 2 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू प्लस 7 ही आनी है। इसमें भी निकाल ही देता हूँ, ये H2C2O4 है दोस्त, तो 2 × 1 + 2x। अरे कार्बन की x ले लो ना यार, 4 × −2 = 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 ही आनी है। तो ये इशू नहीं है, आप केवल इशू ये है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। इफ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज चेंजिंग देन डेफिनेटली द रिएक्शन विल बी रेडॉक्स, अदरवाइज इफ दैट इज कॉन्स्टेंट द रिएक्शन विल बी सिंपल। बट हेयर वी आर कंसंट्रेटिंग, वी आर डिस्कसिंग ओनली एंड ओनली ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन। सो फ्रेंड्स फिर दोबारा से आ जाइए, ये Mn की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो बच्चों सेकेंड पॉइंट ये है कि KMnO4 में एक ऐसा एलिमेंट हमारे हमको मिल चुका है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो करके वो प्लस 2 में जा रही है। और अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पर एटम डिक्रीज होती है तो उसे हम यहां पर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर इसका नाम ऑक्सीडेंट रखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, साफ साफ लिख लीजिए डिक्रीज हो रही है। तो जो ये सब्सटेंस है KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ चलो, जो H2C2O4 है, H2C2O4 ये CO2 में जा रहा है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है। और अगर कार्बन किसी भी, अरे यार पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज हो रही है, पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। और अगर पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो उससे जुड़ा हुआ सब्सटेंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पर H2C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका दूसरा नाम
रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, इसका मतलब है पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब, पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है कि हाँ जी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर इनक्रीज, इसे बहुत अच्छी तरह समझो, अगर इंक्रीज हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम हो रही है क्या डिक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम हो रही है क्या डिक्रीज, तो ऐसी कंडीशन में जो सब्सटेंस है उसका नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहो तो इसे आप लिख लो ऑक्सीडेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, मैं बार बार फिर कह रहा हूं पर एटम, ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी केस में जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि रिडक्टेंट हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो रही है तो रिडक्टेंट, इंक्रीज 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 तो रिडक्टेंट, अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइज एजेंट। तो अब आप इस बात को फिर दोबारा से मैं आपको छोटे से एग्जांपल से दोबारा से समझा देता हूं, इसी केमनो फोर को लिख देता हूं, यार कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देख लो के MnO4 प्लस 7 से जा रहा है Mn प्लस 2 में, तो ये जो KmnO4 है ना, ये KmnO4 is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये KmnO4 है, क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये KmnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2C2O4 ये जा रहा है CO2 में, यहां प्लस 3 है, यहां प्लस 4 है, तो जो ये H2C2O4 है, ये H2C2O4 है, ये H2O2C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी 3 से 4 बढ़ेगी, 3 से 4 में जाएगी, 3 से 4 में जाएगी, ये 7 से 2 में गई है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बच्चों हम सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे, और आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स फिर हम कहीं से कहीं तक फिर जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पर। सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पर। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस करने के बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पर जाएंगे। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट्स ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं। क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट्स में, ये H2C2O4 था, H2C2O4 को बदलना है, किसमें बदलना है भाई, CO2 में बदलना है, तो CO2 में बदलने के लिए इसको नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, अगर इसे CO2 में बदलना है तो इसे नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन के बिना इसका काम चलने वाला नहीं है, इसे नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, ये प्लस 3 से ये प्लस 4 में जा रहा है। भाई साहब बहुत सीधी बात है, बहुत क्लियर कर बात, नेचर्स लॉ है, नेचर का रूल है,
नेचर्स लॉ है, नेचर का रूल है, नेचर्स लॉ है, नेचर का रूल है। क्या है? जो कम है वो ज्यादा में जाने के चक्कर में लगा रहता है। तो जो कम है वो ज्यादा में जाने के चक्कर में लगा रहता है, जो लो है वो हाई बनने के चक्कर में लगा रहता है, जो लो है वो हाई बनने के चक्कर में लगा रहता है। इसीलिए आप देखो थ्री से ये फोर में जा रहा है। बिल्कुल नेचर का रूल है, नेचर का लॉ है, जो लो है, जो लो स्टेट में है वो हाई में जाने के चक्कर में लगा रहता है। तो दोस्तों जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली कम होती है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली कम है तो नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और इस काम में वो नेसेंट ऑक्सीजन को लेकर के ये काम पूरा करते हैं। तो अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आप इसे समझने की कोशिश करिए। रिड्यूसिंग एजेंट में नेचर्स लॉ इसमें क्या है, इस रिड्यूसिंग एजेंट में नेचर्स लॉ फॉलो करेंगे, और नेचर्स लॉ क्या है भाई, लो टू हाई, कम से ज्यादा में जाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लो टू हाई। देखो जरा मैं इसका पहला पॉइंट लिखता हूं, अस फॉर्म, अच्छी तरह समझना, अस फॉर्म ये चेंज होता है किसमें, एक फॉर्म में। अस फॉर्म किसमें चेंज होता है, एक फॉर्म में। कैसे चेंज होगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करके चेंज होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करके चेंज होगा। कैसे? अस फॉर्म से इक फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करके चेंज होगा। अस फॉर्म क्या है भाई? यहां पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन नंबर है। एक फॉर्म क्या है? कंपैरेटिवली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ नहीं कर रहा है, नेचर के लॉ को फॉलो कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका पहला एग्जांपल क्या कहता है, ये Fe+2 ये चेंज हो रहा है Fe+3 में। अरे भाई ये मैंने आपको पहले बताया है, ये फेरस है और ये फेरिक है। अब कहोगे सर कुछ नहीं, बेकार, समझ में कुछ नहीं आया। देख लो भाई, ये Fe SO4 है, ये O को लेगा और बदलेगा Fe2SO4 में, चेंज होगा Fe2SO4 में। अरे भाई आयरन कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ 2 कर दो, SO4 कितना है, 3 है, यहाँ तो बोले SO4 2 ही है, तो SO4 लाना पड़ेगा ना भाई, H2SO4 मीडियम में डालना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम करना पड़ेगा, SO4 पूरा हो गया, ये H इस O के साथ मिल करके और यहाँ पर H2O बना देगा। इस तरीके से ये जो फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया दोस्तों, फेरिक सल्फेट में चेंज हो गया। मैंने एक बताया है, एक कि किस तरीके से अस फॉर्म इक फॉर्म में चेंज हो रहा है, और ये मैं पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, तब देखना कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो पहला बताया मैंने, अस फॉर्म इज चेंजिंग इनटू द इक फॉर्म, एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द अस फॉर्म विच इज चेंजिंग इनटू द इक फॉर्म। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, हम यहां पर SnCl2 लेते हैं, SnCl2 ये स्टेनस क्लोराइड है, ये आपका स्टेनस क्लोराइड है।
अब बच्चों इसे तो स्टेनिक में बदलना था, एसेंशियल फॉर्म में। अरे यार, अस फॉर्म इक फॉर्म में चेंज होगा, तो ये आपका स्टेनिक क्लोराइड में चेंज होगा, स्टेनिक क्लोराइड। और अब देख लो, यहां पर क्लोरीन फोर है तो यहां पर टू एक्सियल कर दो, और ओ नेसेंट ऑक्सीजन ये एच इस ओ के साथ बना रहा है H2O। तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अस फॉर्म एक फॉर्म में बदलता है, और ये कोई बड़ा काम नहीं, नेचर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा ही जाएगा, श्योर है, गारंटी है, इसमें कोई चेंज कहीं से कहीं तक कुछ हो नहीं सकता। चलिए, जब हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया जिसमें अस फॉर्म इक फॉर्म में जाता है, मैं एक एग्जाम्पल हो तो और भी डिस्कस कर देता हूं इसका। एक एग्जाम्पल और भी डिस्कस करने का मन कर रहा है अस फॉर्म इक फॉर्म में, अस फॉर्म इक फॉर्म में। कैसा एग्जाम्पल है भाई? के फोर एफी सीएन होल सिक्स, जरा इस पर गौर करो, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड आप खूब अच्छी तरह से करो तो यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आएगी, करके देखना भाई, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ही आएगी। और ये चेंज होगा के थ्री एफिशियन होल सिक्स में चेंज होगा, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से प्लस थ्री में गई यार। तो असफॉर्म एक फॉर्म में इसका नाम है पोटेशियम फेरी साइनाइड है। तो कुछ नहीं भाई, अस फॉर्म एक फॉर्म में बैलेंसिंग मैटर करती है, तो यहां पर टू कर दो, ये ऑक्सीजन तो लेगा ही लेगा, नेसेंट ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो यहां पर ये K2O बना देगा, K2O बना देगा। कुछ बातें आप इस K2O रिगार्डिंग भी आपको पता कर लो, अगर मीडियम में पानी है तो ये तो बेसिक ऑक्साइड हो गया ना भाई, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया, तो अगर मीडियम में पानी होगा, वैसे तो होगा ही होगा, तो ये इसे 2KOH में चेंज कर देगा। और अगर पानी के नहीं है, मान लो कि मीडियम में एसिड थोड़ा सा डाल दिया, से H2SO4 डाल दिया, तो ये तो बेसिक ऑक्साइड है, और ये बेसिक ऑक्साइड इस एसिड से रिएक्शन करेगा और एसिड बेस रिएक्शन देगा, जिसका नाम न्यूट्रलाइजर है, टेक्निक नंबर 2 में पढ़ाया था, ये बना देगा K2SO4, और K2SO4 के साथ प्लस बना देगा H2O, ये सॉल्ट बन गया, और ये वही पुराना आपका पानी बन गया। तो जो ये टेक्निक नंबर 1, 2, 3, 4 है, ये लगती रहेगी, पुरानी टेक्निक नई टेक्निक को आगे सपोर्ट करती है, तो इस बात को याद रखिए। अब ठीक है, हमने रिड्यूसिंग एजेंट का ये फर्स्ट पॉइंट लिया है जिसमें अस फॉर्म चेंज हो रहा है, एक फॉर्म में कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा है, नेचर लॉ को फॉलो कर रहा है, लो टू हाई। अब बच्चों आगे चलते हैं, जिसमें कि हम अगला पॉइंट मैं आपका लिख रहा हूं, जिसमें मैं लिखूंगा ऑक्सैलेट चेंज होगा CO2 में। यहां पर मैं पॉइंट नंबर 2 लिखूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कि हां भाई साहब, ये ऑक्सैलेट जब नेसेंट ऑक्सीजन को लेगा तो चेंज हो जाएगा CO2 में। ऑक्सीलेट क्या होता है? C2O4-2 होता है, C2O4-2 होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को लेता है, चेंज हो जाता है किसमें? CO2 में चेंज हो जाता है। जरा कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 2x+4 × -2 = -2 आएगा, तो x = +3 आ गया। तो क्यों घबरा रहे हो दोस्त, x = +3 आ गया। यहां पर देखो तो यहां पर x से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर +4 आ गया,
कुछ गलत नहीं कर रहा है यार, प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहा है, कोई गलती नहीं है, कोई घपला नहीं है, कोई रगड़ा नहीं है, प्लस थ्री से प्लस फोर, लो टू हाई, लो टू हाई। चलिए बच्चों एग्जांपल्स देखते हैं। H2C2O4 वही ऑक्सैलिक एसिड पुराने वाला जिसका एग्जांपल मैंने शुरू में लिया था, वही ऑक्सैलिक एसिड O से रिएक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2CO2 प्लस H2O बनाएगा, प्लस 3 से प्लस 4 में पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। कुछ और एग्जांपल ले लो, CaCl2O4 लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा, CaO प्लस 2CO2 बनाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Na2C2O4 प्लस O, कुछ नहीं दोस्त, Na2O प्लस CO2 बनाएगा, 2CO2 बना देगा, प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहा है, नेचर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल मैं इस ऑक्सलेट वाले का और बताऊंगा, क्या एग्जांपल है वो, थोड़ा सा अलग है, आईआईटी में आया हुआ है, Fe2C4 आईआईटी में ये आ चुका है, Fe2C4 फेरस ऑक्सलेट, इसका नाम है फेरस ऑक्सलेट। अरे दोस्त इसमें तो अस फॉर्म भी है, अस फॉर्म के साथ ऑक्सलेट है, तो दो दो ऐसे बेचारे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, फेरस की भी कम है, ऑक्सलेट की भी कम है, फेरस फेरिक में चेंज हो सकता है, ऑक्सलेट CO2 में चेंज हो सकता है, तो क्यों ना चेंज हो, चेंज होगा, ये ओ इसे चेंज कर देगा Fe2O3 में, ये फेरस से फेरिक में गया, प्लस 3 हो गया, यहां पर ये प्लस 2 था आयरन, तो प्लस 3 में हो गया, क्या चाहिए इसे, लो से हाई चला गया, नेचर लो को फॉलो कर दिया, यहां पर कार्बन 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 प्लस 3 था, तो यहां पर कार्बन प्लस 4 में चेंज हो गया, क्यों परेशान होते हो, नेचर लॉ को फॉलो करो, जिसकी कम है उसको बढ़ाओ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने का उसे पूरा 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 हक है। तो हमने दो चीज बताई मैंने आपको, एक अस फॉर्म तो एक फॉर्म एक ऑक्सीलेट 2CO2। अब तीसरी बात करते हैं बच्चों, तीसरी बात में बहुत सिंपल सी बात है, मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ये चेंज होते हैं किसमें, डाइऑक्साइड में। अरे क्या दिक्कत है भाई, चेंज कर दो, CO प्लस O ये चेंज होता है CO2 में, क्यों परेशान होते हो, यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है, कुछ नहीं भाई, प्लस 2 से प्लस 4, नेचर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लो से हाई में जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्साइड जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज होगा किसमें, चेंज होगा ट्राईऑक्साइड में, चेंज होगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। एग्जांपल ले लो दोस्तों, SO2 प्लस O ये चेंज होगा किसमें, SO3 में, क्या परेशानी है यार, सल्फर की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है, लो है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, प्लस 6 है, और ये हाई हो गई, हाई हो गई, प्लस 4 से प्लस 6 हो गई, लो से हाई हो गई, नेचर लो को फॉलो कर रहा है, प्लस 6 हो गई, SO3 प्लस 6, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, प्लस 6 आएगी, नेचर लो को फॉलो कर रहा है, प्लस 4 से प्लस 6 में जा रहा है। चलिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, अब फोर्थ पर चलते हैं और फोर्थ को डिस्कस करते हैं कि फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ पर चलते हैं, फोर्थ क्या कहता है, कुछ नहीं भाई, फोर्थ क्या कहेगा, आपको क्या कह सकता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट
नाइट्राइट ऑक्सीजन को लेता है और नाइट्रेट बना देता है। नाइट्रेट कुछ भी नहीं भाई, NaNO2। ओ को लेगा NaNO3 बना देगा। मत घबराओ, यहां पर नाइट्रोजन प्लस 5 है, यहां पर नाइट्रोजन प्लस 3 है, निकालने की कोशिश करना, यही आएगा HNO2। ये ऑक्सीजन को लेता है, बना देता है HNO3। मत घबराओ, यहां पर ये प्लस 3 है, मत घबराओ, यहां पर ये प्लस 5 है, कोई पाप नहीं है। नेचर लो को फॉलो कर रहा है, लो से हाई में जा रहा है, 3 से 5 में जा रहा है। चलिए बच्चों, छोटी सी कुछ और बातें भी ले लेते हैं, जैसे कि HgNO2 का होल ट्वाइस, ये O को लेगा और बना देगा HgNO3 होल ट्वाइस बना देगा। कुछ नहीं भाई, नाइट्रोजन प्लस 3 से प्लस 5 में जा रहा है, तो ठीक है। फोर्थ पॉइंट ने कहा नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होगा, नाइट्राइट NO3 माइनस NO2 माइनस 1 होता है, नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, गूगल क्लासरूम पर ये सब पढ़े हुए हैं, कौन कितना होता है कौन कितना नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम फिफ्थ पॉइंट तक चलते हैं, है वही क्या, रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाया करती है। फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो सल्फाइट है, सल्फाइट चेंज होता है किसमें भला, सल्फेट में चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब निसेंट ऑक्सीजन को ले लेता है, सल्फेट होता है SO4-2, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और सल्फाइड होता है बच्चों SO3-2, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, तो सल्फाइड सल्फेट में चेंज होता है। एग्जांपल्स ले लो ना भाई, H2SO3 उससे ये बनाएगा H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है, Na2SO3 ओ कुछ दिक्कत नहीं है, बनाएगा Na2SO4 एंड मैनी मोर, जो चाहो वो लिख लो। ये +4 से सल्फर +6 में गया है, यहां पर सल्फर +4 से सल्फर +6 में गया है, जहां कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई मुसीबत नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट पर गौर करो, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड भी यूजुअली ओ को लेकर के सल्फेट में बदलता है, एंड यानी कि ये भी सल्फेट में यूजुअली जाता है S-2 से SO4-2 में जाता है, जैसे कि Na2S ये 4O के साथ बनाएगा Na2SO4, जैसे कि PbS ये 4O के साथ बनाएगा क्या PbSO4, तो सल्फाइड सल्फेट में चेंज हो जाता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहां पर तो बहुत ही बड़ा जंप लगता है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अरे दोस्तों, यहां पर जो सल्फर है ना, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो जब सल्फाइड से सल्फेट में चेंज होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेचर स्लो को फॉलो करता है, लो से हाई में जाता है। इसमें बच्चों थोड़े बहुत छोटे छोटे इस सल्फाइड वाले में एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। कैसे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, जरा देखने की कोशिश करिए। H2S
H2S जब O से रिएक्शन करता है तो H2O और S बना देता है। यहां पर जरा गौर करो, ये S है, ये H है, ये H है। दोस्तों ये जो बॉन्ड है ना, ये कमजोर होता है, बॉन्ड कमजोर होता है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन है ये 1s का इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्डिंग करने के लिए, ये 1s का इस्तेमाल करता है बॉन्डिंग करने के लिए। और ये जो है ना, जो सल्फर है, सल्फर सल्फर सल्फर, ये 3p का इस्तेमाल करता है, 3p का इस्तेमाल करता है। अरे भाई मान लो ये हस्बैंड है, हस्बैंड हस्बैंड है, और ये इसकी वाइफ है। अरे कंसीडर करो ना भाई, ये वाइफ है। हस्बैंड 1 फुट का है, इसकी जो हाइट है ये 1 फुट है, और वाइफ जो है ये 3 फुट की है। तो कब तक चलेगा इनका, ये ज्यादा दिन तक ठहरने वाला इनका मामला है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे केस में जब ये इतनी वीक बॉन्डिंग में आ जाते हैं, अरे भाई इसका फर्स्ट सेल इसका थर्ड सेल मिसमैचिंग बहुत बड़ी है। तो मिसमैचिंग जब बहुत बड़ी हो जाती है तो ऐसे केस में जब ओके कॉन्टेक्ट में आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस ओ के साथ मिल करके और वाटर बना लेता है, साथ में सल्फर सेपरेट हो जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है H2S के केस में। यानी कि वैसे तो सल्फाइड सल्फेट में चेंज होगा, लेकिन H2S के केस में ये सल्फर बनाएगा। रीजन मैंने बहुत क्लियर कट आप लोगों को समझा दिया। मिसमैचिंग ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स इज द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। चलिए बच्चों, अब आपने ये 0.5 तक डिस्कस किए हैं, आई थिंक 5 तक डिस्कस किए हैं। अब आगे चलते हैं, 6th को डिस्कस करते हैं। 6th में क्या होता है उसको देखिए। जो एलिमेंट है बच्चों, एलिमेंट एलिमेंट को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ऑक्साइड बना देता है। जैसे सी को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो CO2 बना देगा। क्या पाप करेगा यार, यहां पर इसके ऑक्सीजन स्टेट +4 है, यहां पर 0। अरे 0 से 4 में गया है तो बढ़ा ही तो रहा है, क्या दिक्कत है। S+3O ये बनाता है SO3। अरे भाई क्या परेशानी, यहां 0 है, यहां पर +6 है, परेशान मत हो, यहां पर P4 है, +O है, तो ये P4O10 बनाता है, P4O10 बना देता है, क्या परेशानी है भाई। कहीं बिल्कुल परेशान ना हो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो किसी भी हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना सा छोटा सा काम है कि हाँ जी एलिमेंट है तो एलिमेंट ऑक्साइड में चेंज होगा, उसमें भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही होगी, इंक्रीज ही होगी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब सेवेंथ पॉइंट पर चलिए। सेवेंथ पॉइंट बच्चों क्या कहता है, सेवेंथ पॉइंट ये कहता है कि जो हैलाइड है वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो हैलोजन बना देता है। जैसे कि आप देखो 2HI, ये हैलाइड है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो H2O+I2 बना देगा। अरे भाई परेशान मत हो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर तो -1 थी ना, तो -1 से 0 फिलहाल तो बढ़ी गई, क्या दिक्कत है, बढ़ गई तो बढ़ गई। और देख लीजिए, मान लो कि यहां पर 2KBr इस तरीके से ले लिया, +O ये बना देगा K2O+Br2। परेशान मत हो, 0 है, यहां पर -1 है, इंक्रीज ही तो हो रही है, डिक्रीज तो नहीं हो रही है, तो ठीक है भाई, क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। 8th पॉइंट क्या कहता है,
एट्थ पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि H2O2 है, H2O2O से रिएक्शन करेगा, सो ये H2O प्लस O2 बना देगा। बच्चों कुल मिलाकर के रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए केवल एक बात याद करनी है आपको, वो एक बात क्या है, लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। यहां पर इतने काम से रिड्यूसिंग एजेंट्स का मामला सोल्व हो जाता है। आप ऐसे तो हजारों लाखों एग्जांपल्स लिख सकते हो। चलिए मैं कुछ और दो चार लिख देता हूं, वो इशू नहीं है, लिख देता हूं, वो एक मामला नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को अच्छी तरह से करो कि हाँ ठीक है, लो से हाई नेचर्स लॉ है, लो से हाई नेचर्स लॉ है, लो से हाई। NH3 को देखो, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, -3। NH3 को अगर ऑक्सीजन मिलता है तो N2 में जाता है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है, प्लस यहां पर 2 कर दो, 3 × 2 = 6, तो यहां पर 3H2O आ जाएगा, यहां पर 3 कर देना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही N2H4 हाइड्राजीन, इसे कहते हैं हाइड्राजीन, आप इसमें भी कर लो भाई साहब, यहां पर -2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इसे भी ऑक्सीजन मिलेगी तो कोई परेशानी नहीं है, ये भी N2 प्लस H2O बनाएगा। तो बैलेंसिंग इज नॉट मैटर, यहां पर 4 है, यहां पर 2 कर दो, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -2 से 0 जा तो रहा यार, पढ़ तो रही है, यानी नेचर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लो से हाई में जा रहा है। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं पैक करता हूं, अब अभी इसी टाइम कम से कम एक आधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाना ही चाहिए। चलिए अगला लेक्चर लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।